प्यारे बच्चों, ये आज आप लोग चित्र का ध्यान और मात्रा की पहचान करना सीखेंगे। ये एक कविता है जिस कविता में हमने जितने भी हमारे स्वर अक्षर हैं उनसे बनने वाली उनके साथ जो मात्राएं हैं उन्हें याद करने का एक तरीका बनाया है। इसमें जैसे गन्ना खड़ा खेत में, तो गन्ना कैसा होता है? एकदम सीधा, स्ट्रेट, यानी कि मात्रा भी कैसी होती है? सीधी। और गन्ने में भी किसकी मात्रा आती है? आ की मात्रा आती है, जैसे खड़ा में भी आ की मात्रा। तो गन्ना खड़ा खेत में, पुनः बटन टूटा शर्ट में। पुनः, पुनः में क्या है? शर्ट के दो बटन। आ की मात्रा में शर्ट के दो बटन होते हैं। रवि की दादा का बेत, रवि के दादा का बेत। तो रवि, रवि में भी किसकी मात्रा है? बेत की तरह, छोटे ई की। दादा का बेत किसकी तरह लगता है? छोटे ई की तरह। मम्मी जी के केश, रवि के दादा का बेत, मम्मी जी के केश। तो मम्मी जी के केश किसकी तरह होते हैं? बड़ी की मात्रा के लिए तरह। और मम्मी में भी क्या आई है? बड़ी की मात्रा। और जी में भी क्या आई है? बड़ी की मात्रा। अब छोटे ऊ, चम्मच में रसगुल्ला किसकी तरह है? बिल्कुल छोटा ऊ, चम्मच में रसगुल्ले की तरह। और रसगुल्ले में भी किसकी मात्रा आई है? छोटे ऊ की। सूरज खाए ऊन का गुल्ला, चम्मच में रसगुल्ला, सूरज खाए ऊन का गुल्ला। तो जो सूरज है, सूरज में भी बड़े ऊ की मात्रा आई है और ऊन में भी आई है। किसकी तरह है? सूरज खाए ऊन का गुल्ला। अब ए की मात्रा उंगली की तरह होती है, सर पे एक उंगली। किसके सर पे? शेर के सर पे उंगली। तो शेर के पे भी और पे पे भी क्या है? सबके सर पे उंगली है, यानी कि किसकी? ए की मात्रा। और आई की मात्रा, बैल के सर पे दो सींग। शेर के सर पे उंगली, बैल के सर पे दो सींग। तो बैल और बैल के सर पे दो बड़े बड़े सींग, बिल्कुल ऐसी होती है आई की मात्रा। और बैल में भी लगती है ये आई की मात्रा। अब ओ की मात्रा, मोमबत्ती में बाती जलती। मोमबत्ती की बाती और मोमबत्ती दोनों मिलाकर ओ की मात्रा बनाते हैं। और मोमबत्ती में भी क्या आती है? ओ की मात्रा। तो मोमबत्ती में बाती जलती, नौकर पे गुलेल की लकड़ी। अब आओ की मात्रा, तो नौकर में भी क्या आ रही है? आओ की मात्रा आ रही है, यानी कि जैसे गुलेल होती है सीधा डंडा और उसमें दो वी से विक्ट्री वाला साइन बना होता है, ऐसे ही नौकर पे गुलेल की लकड़ी। अब अंक की मात्रा, अंक की बिंदी होती है, तो अंक में मिला अंडा। किसकी तरह होती है? अंडे की तरह। तो अंक में मिला अंडा। और वृक्ष पे लटका डंडा, तो जो रस ऋषि होता है उसकी मात्रा रस ऋषि की बिल्कुल ऐसे होती है जैसे किसी की घुंडी हो, या फिर ये वृक्ष पे लटका डंडा, इसकी तरीके से जो मात्रा है वृक्ष में ये मात्रा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये है चित्र के ध्यान पर आप मात्रा को किस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर से, गन्ना खड़ा खेत में, पुनः बटन टूटा शर्ट में, रवि के दादा का बेत, मम्मी जी के केश, चम्मच में रसगुल्ला, सूरज खाए ऊन का गुल्ला, शेर के सिर पे उंगली, बैल के सिर पे दो सींग, मोमबत्ती में बाती जलती, नौकर पे गुलेल की लकड़ी, अंक में मिला अंडा, वृक्ष में लटका डंडा। है ना बहुत आसान?